सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके वर्डप्रेस फाइल में इस टाइप का एरर आ रहा है, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और आपको इस टाइप का एरर दिख रहा है जिसमें लिखा है द अपलोडेड फाइल एक्सेस द अपलोड मैक्स फाइल साइज डायरेक्टिव इन php.ini, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ। इस टाइप का एरर वेबसाइट में क्यों आता है, अगर आपका अपलोडिंग साइज़ कम है और आप उससे ज़्यादा अगर अपलोड करना चाहते हो अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस की, लाइक अगर मेरे वेबसाइट का अपलोडिंग साइज़ 10 MB का है और अगर मैं 16 MB की फ़ाइल उसमें ऐड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो ये एरर देता है। तो आपको इस एरर को कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताऊँगा ईजिली स्टेप में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और स्टेप्स फॉलो करना, बहुत ही ईजी स्टेप है। आप ईजिली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो हमेशा के लिए। आपको सिंपली इसमें जो आपका अपलोडिंग साइज है उसको इंक्रीज़ करना है विदाउट प्लगइन, प्लगइन का यूज़ नहीं करना है। मैं आपको सी पैनल के हेल्प से बताऊंगा कि कैसे उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने सी पैनल में जाना है। आपका सी पैनल आपको पता होगा, आपकी होस्टिंग डिटेल्स में आपको जाना है और आपके सी पैनल्स में आपको चले जाना है। सो जैसे ही आप सी पैनल पर आ जाएंगे आपको यहाँ पे सर्च करना है PHP, आपको PHP सर्च करना है बिकॉज हमें हमारी PHP के जो हमारे एरर आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। php.ini फाइल में आ रहा है जिसका फाइल का नाम है अपलोड मैक्स फाइल साइज, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना भी साइज़ होगा वो आपको इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है मल्टी php ini एडिटर में, php ini, ठीक है। मैंने ये बताया php ini उसमें एरर आया है, आपको इसमें जाना है। यहाँ से सबसे पहले आपका लोकेशन चूज कर लेना, जो भी आपका डोमेन होगा, मैं ऐसे डोमेन चूज कर लेता हूँ। उसके हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको फाइल मिलेगी अपलोड मैक्स फाइल साइज, तो इसमें आप देख सकते हो 2 MB मैक्सिमम साइज दिया है। ये एरर क्यों आया मेरे वेबसाइट में बता देता हूँ। मैं प्लगइन अपलोड कर रहा था जो कि 5 MB की थी और मेरा अपलोडिंग साइज़ 2 MB का था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपलोडिंग साइज़ एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको गैलरी में जाके अपलोडिंग साइज़ दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा अपलोडिंग साइज़ है वो कितना है, ठीक है। अभी 2 MB यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 MB दिख रहा है php.ini फाइल में। मैं मीडिया में जाके एड न्यू करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप अभी देख सकते हो मैक्सिमम अपलोड साइज हमारा 2 MB है। अगर मैं 2 MB के ऊपर अपने वर्डप्रेस में कोई भी फाइल डालूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा सेम। तो आपको इसका अपलोडिंग साइज इंक्रीज करना है। तो आपको मैंने बताया सी पैनल में जाके php ini एडिटर में आना है मल्टी php, और यहाँ पे आपको फाइल मिलेंगी अपलोड मैक्स फाइल साइज़, इसमें आके आपको इसका साइज़ बढ़ा देना है। तो मैक्सिमम आप कितना बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी होस्टिंग 10 GB की है, 5 GB की है, तो आप मैक्सिमम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 512 तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी अनलिमिटेड है तो आप 1 GB 2 GB कर सकते हो, बट इसको मैक्सिमम 512 बहुत हो जाता है। अगर आप इसको कम रखना चाहते हो तो 250 100 MB भी रख सकते हो, इतना सफिशियंट है क्योंकि आपको इमेजेस और वीडियो ही डालना है इसमें, तो बहुत सफिशियंट है। और सिंपली जो भी आप चेंजेस करोगे 250 MB हमेशा रहेगा MB का, और इसको कर देना आपको अप्लाई, ठीक है। अप्लाई कर दिया, अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ वर्डप्रेस की वेबसाइट को। और ऐड न्यू करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो भी आपका अपलोडिंग साइज होगा मैक्स यहाँ पे 8 MB ऑटोमेटिक इसने ले लिया। क्यों लिया 8 MB मैं आपको दिखा देता हूँ, 8 MB क्यों लिया आप यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट मैक्स साइज 8 MB दिया है, ठीक है। यहाँ पे 8 MB दिया, इसको भी आपको चेंज करना है 250, जितना भी आपने वहाँ रखा था इसको भी आपको करना है अप्लाई। और मैं फिर से आपको रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज हो गया 250 MB। तो इस टाइप से आप अभी अपना मैक्सिमम अपलोड साइज इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सी पैनल। तो सी पैनल के थ्रू आप इजीली अपना मैक्सिमम साइज अपलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको प्लगइन, जो हमारा एरर आया था, मेरा एरर आया था प्लगइन की वजह से आया था, अभी मैं सेम प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ प्लगइन, एलिमेंटर जो प्रो वाली प्लगइन थे वो जो कि मुझे इंस्टॉल करना था, ठीक है। ये वाली, ये 2.35 MB की थी जो कि
हो नहीं रही थी, तो अभी मैं इसको अपलोड यहाँ पे कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो देखते हैं अभी हमारी इंस्टॉल होती है या नहीं। सो गाइस अभी देख सकते हो हमारी प्लगइन इंस्टॉल हो रही है, मतलब अपलोड हो चुकी है प्रॉपरली। और अभी ये अनपैकिंग द पैकेज, मतलब हमारी प्लगइन अभी अनजिप हो रही है और अभी इंस्टॉल हो रही है। तो इस मेथड से आप इजीली अपने जो भी आपका मैक्सिमम अपलोड एरर आ रहा है, आप इजीली सी पैनल के थ्रू अपना मैक्सिमम अपलोडिंग साइज इंक्रीज कर सकते हो विदाउट प्लगइन। ठीक है, आपको सी पैनल में जाना है, सिंपली मैंने स्टेप्स बताया, आपको स्टेप्स फॉलो करना है। पोस्ट मैक्स साइज़ और अपलोड मैक्स फाइल साइज, इन दोनों को आपको इंक्रीज करना है। तो इस मेथड से आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है और मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। गाइज अगर आपको वर्डप्रेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू दूंगा। सो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।